2024 में अगर आपको ब्लॉगिंग से पैसे कमाने हैं तो आपको सीखना होगा कि हम कैसे गूगल में 2024 में रैंक कर सकते हैं। अगर आप गूगल में अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो आपको रेवेन्यू भी बेसिकली उतना अच्छा मिलेगा नहीं। तो गूगल में रैंक करना आपको सीखना होगा, और ब्लॉगिंग से पैसे कमाने हैं तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक तरीके पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी बना पाएंगे। अभी आप रेवेन्यू आप देख सकते हो जैसा कि स्क्रीन पे, मैं आपको स्टडे का भी डेटा दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये रेवेन्यू रिपोर्ट इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि लोगों को जब तक रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं दिखाया जाता है तब तक वो वीडियोज में उतना इंगेजमेंट नहीं दे पाते हैं, उन्हें लगता ही नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है ब्लॉगिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रेवेन्यू 9,000 साढ़े 9,000 सुपर की अर्निंग कल की है और आज है 6 तारीख, टुडे कर देते हैं इसे, और आज का आप देख सकते हो रेवेन्यू 3700 से ऊपर हो गया, लगभग 3800 होने वाला है। और चलिए एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली मेरे आर्टिकल गूगल में रैंक भी हो रहे हैं और आप भी गूगल में रैंक कर सकते हो अपने ब्लॉग पोस्ट को। बस क्या करना है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, और कोई भी आपको डाउट हो ना तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, और कोई सजेशन हो ज़रूर कमेंट करके दे देना, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट भी रिफ्रेश कर दिया है। अब चलिए बताता हूँ कि कैसे आप गूगल में रैंक कर सकते हो। गूगल में रैंक करने के लिए मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं, और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसा कि आप गूगल में सर्च करोगे एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे bloggingskill.com रैंक करेगी। साथ ही साथ मैं दूसरा एक कीवर्ड दिखा देता हूँ, एडसेंस CPC कैसे बढ़ाएं, इसमें भी आप देखो फीचर्ड स्निपेट के बाद यहाँ पे bloggingskill.com रैंक करेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं और एक कीवर्ड दिखा देता हूँ, जैसा कि जनरेट प्रेस थीम कस्टमाइजेशन का CSS कोड मैंने प्रोवाइड किया था, और यहाँ पे देखो वीडियो के बाद यहाँ पे पहले ही नंबर पे हमारा जो है bloggingskill.com रैंक कर रहा है गूगल में। उसी तरह से मैंने एक और कीवर्ड पे काम किया है, होस्टिंगर से होस्टिंग कैसे बाय करें, और इस कीवर्ड को मैंने आज तक ऑप्टिमाइज ही नहीं किया, ना ही मैंने इस पोस्ट को अपडेट किया, और आज भी आप देखोगे तो ये पहले पेज पर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये 18 मार्च 2023 को यहाँ पे लिखा गया था, और देख सकते हैं आज भी ये पहले पेज पर है, और इसे अभी ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। जैसे ऑप्टिमाइज होगा ये, इसका पोजीशन और भी बेहतर हो जाएगा। तो गूगल में रैंक करना है तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन 8 पॉइंट को फोकस करना है, उसके बाद आपको गूगल में रैंकिंग में ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा है कि आपको इम्प्रूव करना है ऑन साइट SEO। अब देखो ऑन साइट SEO में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन हो गई, ठीक है, आप जो पोस्ट लिख रहे हो वो कैसा है। जैसे मैं एक पोस्ट ओपन कर देता हूँ, तो पोस्ट आप जो लिख रहे हो उसके अंदर क्या, मतलब आपने अच्छे से लिखा है या नहीं लिखा है, उस पर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किया है या नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑन साइट, मतलब जैसे ही विजिटर आपकी वेबसाइट पे पहुंचेगा तो साइट का नेविगेशन वगैरह, और साथ ही कंटेंट आपने लिखा कैसे है, ये सारी चीज़ें देखता है। मतलब लुक वाइज भी आप देखोगे तो मतलब कितना बेहतर है, इंगेजमेंट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये होता है हमारा ऑन साइट SEO। और अभी मैं और भी बहुत सारे टॉपिक आपको बता रहा हूँ जो कि बेसिकली आपको बहुत ही हेल्प करेंगी रैंकिंग में। तो ठीक है, तो ये हमारा रहा बेसिकली ऑन साइट, मैंने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पे इस साइट का डिज़ाइन वगैरह है, एकदम सिंपल डिज़ाइन मैंने रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे यूज रिलेटेड कीवर्ड इन पोस्ट। बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये एडसेंस CTR वाला ही ले लेते हैं, ठीक है, एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं, तो इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक बार इस पोस्ट को। इस पोस्ट को जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आप देखो ना, हमारा मेन कीवर्ड है एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हो ना एडसेंस CTR क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, गूगल एडसेंस CTR क्या है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो ऑडियंस गूगल में सर्च करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू इंक्रीज एडसेंस CTR इन हिंदी, तो ये सब रिलेटेड कीवर्ड हैं जो हमें बेसिकली अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर यूज करने चाहिए। और जब हम ब्लॉग पोस्ट के अंदर रिलेटेड कीवर्ड को यूज करते हैं तो उससे यहाँ पे बेसिकली हमारा जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो जाता है, और यहाँ पे हमारा बेसिकली ओवरऑल एक्सपीरियंस जो यूजर का होता है वो भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लिक थ्रू रेट, एडसेंस पेज CTR,
तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड कीवर्ड जरूर अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज करें, ताकि आपका जो कंटेंट है उसे गूगल बेटर तरीके से समझ पाए और उसे रैंक कर पाए। पॉइंट नंबर थ्री है हमारा इंटरनल लिंकिंग। अब यही जो हमारा पोस्ट है, इंटरनल लिंकिंग क्या होता है वो पहले समझ लो। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने ये पोस्ट लिखना शुरू किया तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है एडसेंस सीपीसी। तो यहाँ पे मैंने एडसेंस सीपीसी के ऊपर भी एक अपना आर्टिकल लिखा है, जैसे कि ये आप देख सकते हो एडसेंस सीपीसी कैसे बनाएं। और देखिए ये गूगल में रैंक है, तो ये गूगल में रैंक है, तो इस पे बंदा जब हमारे इस सीटीआर कैसे बढ़ाएं इसको पढ़ेगा, तो वो एडसेंस सीपीसी भी बढ़ाने के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा वो दूसरा पोस्ट पड़ेगा। इससे हमारा पेज व्यू भी इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा बाउंस रेट भी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हमें रैंकिंग में हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल हमें इंटरनल लिंकिंग भी करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया ना इंटरनल लिंकिंग, तो इंटरनल लिंकिंग ज़रूर करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपका जैसे ये एडसेंस सीपीसी वाला आर्टिकल रैंक है और आपने इस सीटीआर वाले में एडसेंस सीपीसी को इंटरनल लिंक किया, तो इस पर भी गूगल के जो क्राउलर होते हैं वो आएंगे और इस आर्टिकल को इंडेक्स फटाफट कर लेंगे, जिससे हमें रैंकिंग में भी बेसिकली हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर फोर, रिड्यूस बाउंस रेट। जैसा कि मैंने बताया, जब आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग करते हो तो हमारा ऑटोमेटिकली बाउंस रेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़रूरी है बाउंस रेट को भी कम करने के लिए। अब देखो इंटरनल लिंकिंग आप ऐसा नहीं है कि एक कर दिए उसके बाद हो गया इंटरनल लिंकिंग। अब देखो यहाँ पे मैंने दिखा है एडसेंस लो वैल्यू कॉन्टेंट एरर, तो ये इंटरनल लिंकिंग। तो मतलब देखो इम्पॉर्टेंट वर्डप्रेस प्लगइन, कीवर्ड रिसर्च इन हिंदी, एडसेंस डिसेबल। तो बेसिकली क्या है ना, ये इंटरनल लिंकिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और सही वे में करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लो में किया है। अब ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसमें इंटरनल लिंक घुसा रहे हो, मतलब उसमें वो चीज़ होना चाहिए। देखिए सीटीआर अच्छा रहेगा तो आपकी एडसेंस सीपीसी भी बढ़ सकती है, मतलब एक फ्लो में वो कीवर्ड आ जाना चाहिए ताकि आप इंटरनल लिंकिंग कर पाओ। अब आते हैं अगले पॉइंट में। अब हमारा बाउंस रेट तो रिड्यूस हो जाएगा इससे। पांचवा पॉइंट हमें क्या ध्यान देना है, बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक्स। अब देखो क्वालिटी बैकलिंक्स लोग समझ नहीं पाते हैं क्या होता है, वो कहीं से भी बैकलिंक्स बनाने लगते हैं। 2024 में अगर आपको बैकलिंक्स बनाना है तो आपको प्रोफाइल बैकलिंक्स वगैरह नहीं बनाना है, आपको क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरी साइट जो है वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, और मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर यहाँ पे बैकलिंक्स बनाऊँगा ना, ऐसी वेबसाइट ढूँढूँगा जो ब्लॉग के बारे में लिखता है, तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपको अपने रिलेटेड साइट से बैकलिंक्स बनाना है, और ये भी देखना है कि वो साइट कहीं स्पैम वगैरह तो नहीं कर रही है, उसके कंटेंट अच्छे हैं या नहीं, गूगल में उसके कंटेंट रैंक करते हैं या नहीं, ये सब देखने के बाद ही आपको बैकलिंक्स बनाना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, छठा पॉइंट हमारा है वो है यूज इन्फोग्राफिक्स इन पोस्ट। अब जैसे कि यहाँ पे मैं देखो इन्फोग्राफिक्स यूज करता हूँ, जैसे ये देखो ये हमारा इमेज है, ये मुझे मतलब आपको ये तुरंत देखते ही लगेगा अरे पेज सीटीआर इसका 5.5% है, मतलब यहाँ पे इनकी मैं सीटीआर के ऊपर लिख रहा हूँ ना पोस्ट, तो उससे रिलेटेड इमेज है और ये तुरंत बता रहा है। और मैं अगर सीपीसी के बारे में लिख रहा हूँ तो ये इन्फोग्राफिक यूज करूँगा तो देखो सीपीसी 25 सेंट का है, तो बहुत बढ़िया है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इन्फोग्राफिक यूज करते हैं तो इससे गूगल हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देता है गूगल में रैंक करने के लिए, इसलिए हम इन्फोग्राफिक्स और वीडियोज का इस्तेमाल अपने पोस्ट के अंदर ज़रूर करेंगे, और आपको भी करना चाहिए। अब आते हैं हमारे सातवां पॉइंट पे। सातवां पॉइंट है इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड। अब देखो अपनी वेबसाइट की स्पीड को आपको इम्प्रूव करना है, ताकि जैसे ही बंदा क्लिक करे आपकी पोस्ट पे तो वो फटाफट लोड हो जाए वो आपकी पोस्ट और वो उसे पढ़ ले। अगर उसे अब वो पढ़ नहीं पा रहा है, लोड होए जा रहा है, वो तुरंत स्किप कर देगा और दूसरी वेबसाइट खोल लेगा। तो इसीलिए हमारे वेबसाइट की स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब वेबसाइट की स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे आप चैनल पे आना, सर्च कर लेना वेबसाइट स्पीड। अब वेबसाइट स्पीड जब आप लिख के सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कैसे आप वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हो। देखो वेबसाइट स्पीड कैसे बढ़ाएं और ये वीडियो आप देख लेना। अब देखो ये वीडियो जब आप देख लोगे तो आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को भी बढ़ा पाओगे। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा लास्ट पॉइंट है और ये है इंक्रीज सीटीआर।
अब CTR इंक्रीज CTR का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे आपने कोई कीवर्ड सर्च किया AdSense CPC कैसे बढ़ाएं, तो मैक्सिमम जो क्लिक्स है वो आएंगे पहले वाले जो फीचर्ड स्निपेट में रैंक कर रहे हैं उस पर सबसे ज़्यादा क्लिक्स होते हैं, और उसके बाद अगर मेरा ये जो यहाँ पे टाइटल है गूगल AdSense CPC कैसे बढ़ाएं 7 बेस्ट तरीका 2024, अगर ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है यूजर क्लिक करने के लिए तो लोग इस पर ना क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी जो ये पोस्ट है ना वो गूगल के टॉप पोजिशन पर आ जाएगी, मतलब ये फीचर्ड स्निपेट में मेरा आ जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली मैं बोलता हूँ कि जब भी आप टाइटल बनाओ वो अट्रैक्टिव बनाओ ताकि हमारा जो क्लिक थ्रू रेट है वो इम्प्रूव हो सके। जब क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव होता है तो हमारी रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ओवरऑल 8 पॉइंट आपको फॉलो करना है अगर 2024 में आप गूगल में रैंक करना चाहते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक करना, ब्लॉगिंग SEO मेक मनी ऑनलाइन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।